हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूँ रमेश और आप देख रहे मेरे चैनल डबल यू रमेश कुमार। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसी वीडियो में जो कि हमारा रजिस्टर होता है और रजिस्टर में जो कि बहुत सारा कलर कोडिंग आपको देखने को मिलेगा। ओके, देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह जो कि हमारा रजिस्टर होता है जो कि कार्बन रजिस्टर होता है, और ये रजिस्टर में आप देख पा रहे होंगे इसमें बहुत सारे कलर कोडिंग होता है। ओके, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे रजिस्टर देख के इसका कैलकुलेशन जान के इसका वैल्यू किस तरह पता कर सकते हो। इसके कैलकुलेशन मैं आपको इसी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करके बताऊँगा। ओके, और सबसे पहले चलिए मैं आपको ये जो रजिस्टर कलर कोडिंग की जो चार्ट है, चार्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ओके, और देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा रजिस्टर कलर कोडिंग की चार्ट है, और सबसे पहले मैं आपको इस चार्ट के बारे में बताऊँगा और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास एक जो रजिस्टर की जो कि पैकेट है, और ये पैकेट में बहुत सारे अलग अलग वैल्यू की जो कि रजिस्टर है। ओके, और ये रजिस्टर की कैलकुलेशन मैं आपको इसी वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहूँगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो कैलकुलेशन के बारे में बताने वाला हूँ, और LED डायोड में जो कि हमारे कितने वोल्टेज में लगाने के लिए कितने ओम्स की जो कि रजिस्टर है लगाना पड़ता है, उसके कैलकुलेशन के बारे में मैं बताने की कोशिश करूँगा। ओके, और चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये रजिस्टर की कलर कोडिंग की चार्ट के बारे में बता देता हूँ। ओके, और देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा चार्ट में सीरियल वाइज कलर कोडिंग की गई है। ओके, और देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए ये जो हमारा ब्लैक है, और ये जो हमारा ब्राउन है, और रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड और सिल्वर। ओके, और ये जो हमारा टोटल जो होता है, ये हमारा 12 कलर होता है, यानी कि 12 कलर होता है, यानी कि 12 कलर आपको जो रजिस्टर में देखने को मिल सकता है। ओके, और उसके लिए देखिए फ्रेंड्स, जो कि हमारा ब्लैक के लिए जो कि हमारा 0 होता है, ब्लैक की जो वैल्यू है 0 है, और ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, और देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर दो कलर जो मिल रहा है जिसका वैल्यू यहाँ पर मेंशन नहीं है, और ये जो कलर देखिए फ्रेंड्स जो कि गोल्ड और सिल्वर कलर, ये आपको रजिस्टर में देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो कलर रजिस्टर में यूज करते हैं वो हमारा परसेंटेज के लिए, यानी कि टॉलरेंस के लिए यूज करते हैं। ओके, और टॉलरेंस क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, और देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बता रहा था 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे जो मैंने आपको बता रहा था, ये जो हमारा फर्स्ट बैंड है, और इसी तरह आपको जो कि सेकंड बैंड है। ओके, और सेकंड बैंड में देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह जो भी कलर होता है ये कैलकुलेशन मैं आपको आगे बताऊंगा। और जो थर्ड कलर जो होता है फ्रेंड्स, ये हमारा जो कि मल्टीप्लायर के लिए यूज करते हैं। ओके, और देखिए फ्रेंड्स, जो कि हमारा थर्ड बैंड जो कि आपको रजिस्टर में देखने को मिलेगा, ये हमारा जो कि मल्टीप्लायर के लिए यूज करते हैं। और इसी तरह देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा फोर्थ बैंड जो होता है, ये हमारा टॉलरेंस। ओके, और चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसी वीडियो में जो कि हमारा जो कि फोर बैंड की जो कि रजिस्टर है, रजिस्टर की कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ। ओके, और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक जो रजिस्टर मैंने ड्रा कर रखा हूँ, और सबसे पहले मैं आपको इसके कैलकुलेशन के बारे में बता देता हूँ। ओके, और देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा रजिस्टर है, ये हमारा जो कि फोर बैंड के रजिस्टर है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, जो बैंड जो होता है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो कलर जो होता है इसे बैंड बोला जाता है। ओके, यानी कि बैंड बोलते हैं। ओके, और इसीलिए देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा येलो, वायलेट, ऑरेंज, और देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा सिल्वर। ओके, और सिल्वर कलर मेरे पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने व्हाइट ब्लैंक छोड़ दिया। और देखिए फ्रेंड्स, सपोज ये जो हमारा सिल्वर कलर है। ओके, यानी कि ये जो हमारा फोर बैंड है। ओके, और आपको जो कि रजिस्टर में इसी तरह दो लेग आपको देखने को मिलेगा। ओके, और सबसे पहले देखिए, ये जो हमारा फर्स्ट बैंड है, ये सेकेंड बैंड है, ये थर्ड बैंड है, ये हमारा फोर्थ बैंड है। ओके, और ये जो बैंड की जो कैलकुलेशन है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इजी ट्रिक एक बताऊंगा, आप ये ट्रिक फॉलो करके आप किसी भी रजिस्टर की जो कि कलर कोड जाने की इसमें जो कि बैंड है, कलर कोडिंग जो बैंड है, बैंड देकर आप एक सेकंड में कैलकुलेशन कर सकते हो। और उसके लिए देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको जो कि रजिस्टर होल्ड करना जाने की पकड़ना मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, और देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा रजिस्टर है, और रजिस्टर को जो कि पकड़ने की सही तरीका है, मैं आपको थोड़ा सा देखिए फ्रेंड्स, लाइट इसमें यानी कि फ्लैश में इसमें ऑन कर देता हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा रजिस्टर है, रजिस्टर को पकड़ने का सही तरीका देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको यहाँ पर देखिए चार कलर देखने को मिलेगा, देखिए जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ओके, जो कि फर्स्ट टू कलर जो है, ये हमारा रेड है, और ये जो हमारा ऑरेंज है, और ये जो हमारा गोल्ड है। ओके, और रजिस्टर को हमेशा देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा गोल्ड और सिल्वर कलर जिस साइड आपको देखने को मिलेगा, इसका जो कि अपोजिट साइड में आपको जो कि काउंट करना है। ओके, और इसी तरह मैं आपको और एक ट्रिक बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा कलर कोडिंग देखिए फ्रेंड्स, ये जो दो रेड और एक जो ऑरेंज है, ये आपस में थोड़ा सा पास पास कलर है। ओके, यानी कि पास पास इसमें कलर कोडिंग की गई। ओके, यानी कि कलर इसमें जो कि की गई। ओके, और उसके थोड़ा गैप देके देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा गोल्डन कलर इसमें लगाया गया। ओके, जिस साइड देखिए फ्रेंड्स, ये और ये गोल्डन के जगह किसी भी दूसरी कलर भी हो सकता है, जैसे कि ऑरेंज, रेड और दूसरी कलर जो भी कलर हो सकता है, थोड़ा सा गैप देने के बाद। ओके, उसके अपोजिट साइड में आपको जो कि रजिस्टर की होल्ड करनी है, यानी कि काउंट करनी है। ओके, और चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बता देता हूँ।
और देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बता रहा था, ये जो हमारा रजिस्टर है, और रजिस्टर के देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा 4 बैंड के रजिस्टर है, और ये जो हमारा सिल्वर है, ओके। और ये जो सिल्वर जो होता है, ये हमारा टॉलरेंस के लिए, ओके। और चलिए अभी मैं आपको इसके कैलकुलेशन बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा फर्स्ट बैंड है, फर्स्ट बैंड की जो कि कलर है देखिए फ्रेंड्स, येलो, ओके। और येलो में देखिए फ्रेंड्स, आपको ये जो चार्ट है, और चार्ट देखिए फ्रेंड्स, येलो में कितना कलर, इसमें जाने की वैल्यू कितना लिखा गया, ओके। देखिए फ्रेंड्स, येलो में देखिए इसमें जो कि 4 लिखा गया, ओके। आपको सिंपल क्या करना है, आपको सिंपल इसमें 4 पुट कर देना, ओके। और इसी तरह देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो कि सेकंड बैंड है, सेकंड बैंड में कौन सी कलर इसमें जो दी गई, ओके। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो कि वायलेट कलर है, ओके। और वायलेट कलर के लिए जो कि वैल्यू है देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा वायलेट है, और वायलेट के लिए देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा 7 है, ओके। 7 इसमें लिखा गया है, आपको सिंपली इसमें 7 पुट कर देना है, ओके। और इसी तरह देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा थर्ड बैंड है, ओके। और थर्ड बैंड जो होता है फ्रेंड्स, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बैंड होता है। और इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बता रहा था, जो कि हमारा थर्ड बैंड है, थर्ड बैंड देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो हमारा मल्टीप्लायर के लिए यूज करते हैं, ओके। और इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा थर्ड बैंड कौन सा कलर है देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा ऑरेंज है, और ऑरेंज का वैल्यू देखिए फ्रेंड्स कितना है, ये जो हमारा ऑरेंज है, ऑरेंज का वैल्यू 3, ओके। और मल्टीप्लायर देखिए फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई विथ 10^3, ओके। और ऑरेंज का वैल्यू देखिए फ्रेंड्स, ऑरेंज का वैल्यू यहाँ पर जो कि 3 है, और इसीलिए देखिए 10^10, यानी कि मल्टीप्लाई विद 10^3, ओके। और ये जो 3 है, ये हमारा 10 का पावर है, ओके। और 10^3 मीन्स आपको इसी तरह देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा 4 और 7 और ये 3 के लिए आपको जो कि यहाँ पर 3 0 आपको पुट कर देना, ओके। और देखिए फ्रेंड्स, जो कि हमारा जो कि 47,000, ओके, यानी कि 47 किलो ओम्स, यानी कि ये जो हमारा रजिस्टर की जो कि वैल्यू है, ये हमारा 47 किलो ओम, ओके। और इसी तरह फ्रेंड्स, मैं आपको दूसरे रजिस्टर की कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप दूसरे रजिस्टर जो आप देख रहे हो, मैं आपको सही से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा दूसरे रजिस्टर है, और इसका देखिए फ्रेंड्स, इसका जो कि कलर बैंड जो है देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा रेड है, और सेकंड बैंड भी रेड है, और थर्ड बैंड जो होता है, ये हमारा जो कि ऑरेंज है, ओके। और ये जो हमारा जो कि देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा गोल्ड है, ओके। और गोल्ड के लिए देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको गोल्डन कलर की भी जो कैलकुलेशन अभी मैं आपको दिखाऊंगा, और उसके लिए देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, जो कि मैंने आपको बता रहा था, ये जो हमारा रजिस्टर है, फर्स्ट बैंड जो होता है, ये हमारा रेड होता है, ओके। और रेड के लिए देखिए फ्रेंड्स, रेड की जो कि वैल्यू है देखिए, ये हमारा 2 है, आपको सिंपल इसी तरह इसमें 2 लिख देना है। और इसी तरह हमारा जो कि सेकंड बैंड जो है, सेकंड बैंड की जो कि कलर है, वो भी 2 है, यानी कि रेड है, और रेड की वैल्यू जो है, ये हमारा 2 है। और देखिए फ्रेंड्स, ये रजिस्टर में जो कि थर्ड बैंड जो कि मैंने आपको बता रहा था, थर्ड बैंड की जो कि कलर है, ये हमारा जो कि ऑरेंज है, ओके। और ऑरेंज के लिए देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा ऑरेंज के लिए जो कि वैल्यू है, ये हमारा 3, ओके। और थर्ड बैंड जो कि मैंने आपको बता रहा था, ये जो हमारा थर्ड बैंड जो होता है, ये हमारा मल्टीप्लायर के लिए यूज करते हैं। और आपको देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा ऑरेंज है, ऑरेंज के लिए देखिए फ्रेंड्स, आपको सिंपली इसमें 3 0 पुट कर देना, ओके। यानी कि ऑरेंज की वैल्यू जो है 3 है, आपको सिंपली इसमें 3 0 पुट कर देना है, ओके। और देखिए फ्रेंड्स, जो कि मैंने फास्ट कैलकुलेशन के बारे में जो कि बता रहा था, ये 10^3 है, आपको इस तरह करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको सिंपली जो कि थर्ड कलर की जो वैल्यू होता है, आपको साइड में इस तरह आपको जो कि 3 0 पुट कर देना है, ओके। यानी कि जो भी कलर होगा, उसी कलर की जो कि वैल्यू आपको साइड में इस तरह पुट कर देना है, ओके। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा रजिस्टर की जो वैल्यू है देखिए फ्रेंड्स, जो कि मैंने आपको दिखा रहा था, ये रजिस्टर की जो कि वैल्यू है देखिए फ्रेंड्स, डिवाइडेड बाई आपको यानी कि किलो ओम करना है, और डिवाइडेड बाई 1000 कर देना, ओके। यानी कि 3 0 इसमें कैंसिल हो गया, और आपको जो कि मिला देखिए फ्रेंड्स, 22 किलो ओम्स, ओके। यानी कि ये जो हमारा रजिस्टर की जो वैल्यू है, ये हमारा 22 किलो ओम्स, ओके। और अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी इसका कैलकुलेशन खत्म नहीं हुआ, और इसके साइड में देखिए फ्रेंड्स, जो कि मैंने आपको बता रहा था, ये जो साइड में आपको गोल्डन कलर देखने को मिलेगा, ओके। और ये जो गोल्डन कलर देखिए फ्रेंड्स, जो कि मैंने आपको बता रहा था, ये जो गोल्डन कलर जो होता है, ये हमारा टॉलरेंस के लिए यूज करते हैं। और ये जो गोल्डन देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉलरेंस है, और गोल्डन के लिए देखिए फ्रेंड्स, जो कि टॉलरेंस ये 5%, और सिल्वर के लिए जो कि टॉलरेंस ये हमारा 10%, ओके। और अभी देखिए फ्रेंड्स, इसका खत्म नहीं हुआ, यानी कि इसका कैलकुलेशन खत्म नहीं हुआ, यानी कि रजिस्टर की जो वैल्यू है, ये 22 किलो ओम्स है, यानी कि ये जो हमारे रजिस्टर में जो कि वैल्यू है 22 किलो ओम्स है, ये 5%, यानी कि गोल्ड कलर होने के कारण से, जो हमारा 5% जो कि हमारा टॉलरेंस है, और 5% टॉलरेंस होने के कारण से, ये जो हमारा 22 किलो ओम्स है, 5% ज़्यादा हो सकता है, या फिर 5% कम हो सकता है, ओके। और इसी तरह देखिए फ्रेंड्स, जो कि मैंने फर्स्ट वाला रजिस्टर में जो कि मैंने आपको बता रहा था, ये जो हमारा सिल्वर है, और सिल्वर कलर, यानी कि ये जो रजिस्टर की जो कि वैल्यू हमें जो मिल रहा था देखिए फ्रेंड्स, जो कि जो वैल्यू मिला जो है 47 किलो ओम्स, और इसमें देखिए फ्रेंड्स, जो कि हमारा सिल्वर कलर है, और सिल्वर कलर में देखिए फ्रेंड्स, जो कि टॉलरेंस ये 10%, ओके। और ये 10% होने के कारण से, यानी कि जो 47 किलो ओम्स है, जो हमारा रजिस्टर की वैल्यू 10% ज़्यादा हो सकता है, या कम भी हो सकता है, ओके। और इसी तरह फ्रेंड्स, ये कैलकुलेशन ट्रिक फॉलो करके, जो कि हमारे रजिस्टर होता है, और रजिस्टर में जो कि बहुत सारा कलर कोडिंग की जो बैंड होता है, और बैंड देख के आप किसी भी रजिस्टर की वैल्यू पता कर सकते हैं, ओके। और चलिए फ्रेंड्स, देखिए ये जो हमारा जो कि कलर कोडिंग की जो चार्ट है, और चार्ट किस तरह याद आप इजिली रख सकते हैं, उसके फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, ओके।
और ये देखिए फ्रेंड्स चार्ट याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। और देखिए फ्रेंड्स बीबी रॉय गुड बुक वेरी गुड राइटर ओके। और फर्स्ट भी जो होता है हमारा जो कि ब्लैक और सेकंड भी जो हमारा ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येल्लो और गुड फॉर जो कि हमारा ग्रीन, बुक फॉर जो होता है हमारा जो कि ब्लू और भी वेरी फॉर जो होता है वायलेट और देखिए फ्रेंड्स गुड फॉर जो होता है हमारा ग्रे और राइटर फॉर जो होता है हमारा जो कि व्हाइट ओके। और इसी तरह आप ये फॉर्मूला याद करके आप सारे कलर कोडिंग की जो कि आप याद रख सकते हैं ओके। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।